शहीद दिवस के मौके पर हम देश के लिए जान गंवा देने वाले शहीदों को याद करते हैं, साथ ही हम उन महान पुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया। सबसे पहला शहीद दिवस, जिसे सर्वोदय दिवस भी कहते हैं, 30 जनवरी को मनाया जाता है और दूसरा शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। दोनों ही शहीद दिवस अलग अलग तारीखों पर अलग अलग वजहों से मनाए जाते हैं, लेकिन 30 जनवरी वाला शहीद दिवस महात्मा गांधी के साथ साथ उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश की आज़ादी में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की बलि दे दी। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि शहीद दिवस वाले दिन महात्मा गांधी को क्यों याद किया जाता है। महात्मा गांधी का कहना था, खुद वो बदलाव बनो जो दुनिया में देखना चाहते हो। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 13 साल की छोटी उम्र में उनकी शादी करा दी गई थी और वे अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भी गए थे। गांधी जी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। राजनीतिक एवं सामाजिक प्रगति की प्राप्ति के लिए उन्होंने अहिंसक विरोध के सिद्धांतों को अपनाया, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई। विश्व स्तर पर महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम ही नहीं अपितु अहिंसा और शांति का प्रतीक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे अपने अनुयायियों द्वारा राष्ट्रपिता के रूप में लोकप्रिय हुए और उन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। कई नेताओं के साथ हजारों लोगों ने उनका समर्थन किया और उनके नक्शे कदम पर चले। उन्होंने खेड़ा में अहिंसक कर विद्रोह, 1920 के दशक में प्रारंभ में असहयोग आंदोलन और 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च का नेतृत्व किया और अन्य आंदोलन किए और उनके अहम प्रयासों से भारत को 1947 में आजादी प्राप्त हुई। आइए अब जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई। 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली के बिरला भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे यहाँ पर रोज शाम को प्रार्थना किया करते थे। उस शाम को जब महात्मा गांधी अपनी संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे उनके पैर छूने के लिए नीचे झुका और उसके बाद उसने सामने से महात्मा गांधी के ऊपर पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उस समय महात्मा गांधी अपने अनुचरों से घिरे हुए थे। गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या उनकी प्रार्थना सभा में जाने से पहले कर दी थी। हादसे के बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 8 नवंबर 1949 को उनका परीक्षण पंजाब उच्च न्यायालय में किया गया और 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। इसलिए हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी को याद किया जाता है। इस दिन एक खास श्रद्धांजलि सभा भी उनकी याद में आयोजित होती है। साथ ही आपको बता दें कि हर साल इस दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुख राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। सेना के जवान भी उनके सम्मान में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने हथियार को नीचे झुकाते हैं और पूरे देश में गांधी जी के समेत अन्य शहीदों को भी याद कर 2 मिनट का मौन रखा जाता है। कई स्कूलों में इस दिन कार्यक्रम होते हैं जिसमें छात्र देशभक्ति के गीतों को व नाटकों का प्रदर्शन करते हैं। 30 जनवरी के अलावा भी देश में इन तारीखों को शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च, इस दिन को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। 17 नवंबर, लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि को मनाने के लिए उड़ीसा में शहीद दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर, मध्य प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस को यानी 19 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये उन लोगों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की बलि दे दी थी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जिन लोगों ने वास्तव में इतिहास बनाया वो शहीद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और अन्य ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। Till the next time, it's a goodbye.